Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel and I'm Mohit. I hope आप सभी ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. And ये vlog मेरा second vlog है और इस vlog में मैं करने जा रहा हूँ एक unboxing और ये unboxing है मेरे अपने एक new vlogging setup की. So let's start with it. जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यह है हमारा हीरो ब्लैक क्रिएटर एडिशन हीरो 11 एक्चुअली. सो ये गोप्रो है और ये मेरा है न्यू ब्लॉगिंग गियर. आई थॉट कि इसको आप लोगों के साथ ही अनबॉक्स करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये एक ऐसा केस है गोप्रो का बैक टाइप्स. सो इसके अंदर ही मेन जो भी होगा. हियर वी गो. वाओ. सो एक ओवरऑल देता हूँ मैं ओवरव्यू. ये है गोप्रो का मीडिया मोड. यस इट्स अ मीडिया मोड. को बाद में बताते हैं क्या है. और ये है GoPro itself. जस्ट अ सेकंड. ये है बिगो. दिस इज द GoPro Hero 11. विल रैप इट अप. और ये है सबसे बेस्ट पार्ट. दिस इज द वोल्टा GoPro वोल्टा स्टिक. सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. इसके स्पेक्स में बाद में बताता हूँ. पहले हम बाकी की चीज़ें देखते हैं क्या क्या है इस बॉक्स में. सो उसके बाद आता है लाइट मोड एलईडी मोड. ये एक एडिशनल एलईडी लाइट है जो GoPro के ऊपर एज एन एसेसरी लगती है. सो इसको भी हम लगा के देखेंगे. और ये क्या है. दिस इज़ द एंड्यूरो बैटरी. ये एंड्यूरो बैटरी दी गई है GoPro के साथ. सो एक ही बैटरी आती है इसमें. रिचार्जेबल होती है ये बैटरी. और इसे कहते हैं कि अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है. इसकी बैटरी लाइफ बढ़ाई गई है. सो हम ये भी देखेंगे. गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड लेयर. वाओ. सेकंड लेयर में भी काफ़ी कुछ है. सो लेट्स सी. इसमें काफ़ी सारे क्लिप्स हैं. आई थिंक ये माइक के लिए होगा. नॉइस कैंसिलेशन के लिए. ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक के लिए है. सो ये भी लगाते हैं. फिर पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ मैं आपको. ये तो सारे क्लिप्स हैं GoPro के लिए. कुछ वायर्स हैं. कुछ क्लम्प्स हैं टाइट करने के लिए. और बाकी पेपर वर्क एंड स्टिकर्स होंगे इसमें. ये बाद में देखेंगे. सो पहले एक बार आई थिंक मुझे असेंबल करके दिखाना चाहिए. राइट. तो इसे करते हैं बंद. सो हाँ जी गाइज, ये है जो हमें इसके साथ मिला है वोल्टा स्टिक GoPro 11. और ये मीडिया मोड है. ये लाइट मोड है. और ये इसका मफलर माइक का. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. दिस इज़ द मीडिया मोड. ये मीडिया मोड की खासियत ये है कि एक तो ये प्रोटेक्टिव केस है. मोर ओवर इसके अंदर क्या होता है, GoPro के अंदर हमें पॉइंट्स नहीं मिलते. सिर्फ एक ही टाइप सी पॉइंट मिलता है. सो एक इसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड माइक मिल रहा है. यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं टाइप सी पार्ट है. तो इसके अंदर हम GoPro अपना अटैच करेंगे. और उसके बाद यहाँ पे टाइप सी हमें एक आउटर मिल जाता है. बाहर से कुछ भी अटैच करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं. और उसके बाद ये मिनी HDMI है. यहाँ पे HDMI से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी स्क्रीन के साथ. और ये है एक पिन जिसमें हम एक्स्ट्रा माइक वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं. बाकी यहाँ पे क्लम्प्स वगैरह दिए गए हैं कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी को ऐड करने के लिए. सो ये पावर स्विच है. ये रिकॉर्डर बटन है. सो आई थिंक अब हम इसके अंदर अपना GoPro लगाते हैं. फिर देखते हैं कैसे वर्क करता है. ये हमारा GoPro है. सबसे पहले तो ये मेरा दिस इज़ द बेस्ट थिंग. वाओ. दिस इज़ द लेंस. ये है हमारी फ्रंट स्क्रीन. एंड देन हियर वी गो. ये हमारी रियर स्क्रीन है. उसके बाद लेट्स रिमूव दिस वन टू. या हियर वी गो. सो दिस इज़ द GoPro Hero 11. राइट. सो अब इसको हम
बैटरी डाल के इसमें स्टार्ट। सो अब हम इंसर्ट करेंगे इसमें बैटरी। दिस इज़ द बैटरी जो हमें साथ में मिलती है। सो आई थिंक ये जाएगी कुछ ऐसे। यस, ये हमने इंसर्ट कर दी है बैटरी। और हम अब जब हमने मीडिया मोड ऐड ऑन करना है इसके साथ, तो हमें जो ये क्लिप है ये रिमूवेबल होता है, हमें इसको ऐसे निकालना होगा। राइट, इसे हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम मीडिया मोड को अनलॉक करेंगे। अब इसके अंदर हम GoPro को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से करना है कि जो सा ये टाइप सी का ये है, ये इसके पोर्ट के अंदर इंसर्ट हो जाए पिन। या ये तो अब ढंग से हो चुका है, इसे हम बंद कर देंगे। इफ यू गो, यू कैन सी GoPro पूरे फ्रेम के अंदर आ चुका है। ये है GoPro विद मीडिया मोड। ठीक है, इसके ऊपर लग जाता है ऐसे ये, देन इसके नीचे ऐसे क्लिप्स निकलती हैं GoPro के नीचे से, ये दो क्लिप्स हैं। अब इससे क्या होगा, जो ये हमें वोल्टा मिला है साथ में, हम इसको डालेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे ऐसे। और जो हमें एक्सेसरीज में मिला है क्लिप्स, नट बोल्ट्स मिले हैं, हम वो इंसर्ट करेंगे इसे टाइट करने के लिए। ये रहा हमारा GoPro ऑन वोल्टा स्टिक। सो इस तरह से कुछ पूरा सेटअप दिखता है ये। और एक और चीज़ रह गई हमारी, जो कि है ये LED, ये फ्लैश है। इसमें तीन तरह के मोड्स आते हैं, सो वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर ये चार्ज होगी तो चलेगी। हाँ, सो ये इसका फर्स्ट मोड है, ये इसकी और ब्राइटनेस, और ये थर्ड मोड है। राइट, इसके बाद ये एज अ फ्लैशर भी काम करती है, और दिस इज़ द नॉर्मल लाइट। और अगर हम इसके ऊपर से ये डिफ्यूज़र हटा दें तो ये कुछ इस तरह से फ्लैश देती है। ये स्मूथ लाइटिंग के लिए हमें साथ में डिफ्यूज़र दिया जाता है लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए। और दिस इज़ समथिंग एज यू कैन सी, इट्स अ वेरी गुड एक्सेसरी आई थिंक। और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे ऐसे पॉइंट दिया जाता है, इसे हम ऐसे करेंगे स्लाइड ऑन, तो यहाँ से टाइप सी केबल का हमें पोर्ट मिलता है चार्ज करने के लिए। इसे हम लगाएंगे ऑन द क्लिप लाइक दिस। हियर वी गो। वन मोर वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस GoPro इज, जो ये वोल्टा हमें साथ में मिल रहा है क्रिएटर स्पेशली, ये मैंने क्यों लिया क्रिएटर एडिशन, बिकॉज ये सारी एक्सेसरी जो है, जितना भी ये पूरा ओवरऑल सेटअप है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ब्लॉगर के लिए। जो मैंने ऑनलाइन स्टडी किया, देखो मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग का, बट स्टिल जो मैंने ओवरऑल देखा, स्टडी किया सारा, तो सभी को ये सेटअप ज़्यादा यूज़फुल लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी यही ट्राई आउट कर लेता हूँ। सो ये एज अ ट्राइपॉड भी काम करता है वोल्टा में, ये एज अ ट्राइपॉड भी काम करता है। और इसे हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं GoPro को, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, ये ऐसे मुड़ जाता है, तो अगर कोई भी ऐसे वीडियो शूट करना है तो मैं ऐसे बड़े आराम से कर सकता हूँ। राइट, और मोर ओवर आप ये सोच रहे होंगे कि ये वोल्टा में जो सी हमें ये वायर दी गई है किस पर्पज़ के लिए वायर, तो इस वायर का पर्पज़ ये है, यहाँ पे पोर्ट दिया गया टाइप सी, आप देख रहे होंगे, इस टाइप सी पोर्ट में हम इसे इंसर्ट करेंगे ऐसे। सो जो ये लेयर है ना, ये लेयर GoPro के वोल्टा की, ये एक बैटरी है, यस ये एक बैटरी है, और ये एज अ पावर बैंक काम करती है। तो जब हम इससे कनेक्ट करके GoPro चलाते हैं, तो ये एडिशनल 4 hours देता है GoPro के पावर को, जिससे हम एडिशनल 4 hours इससे व्लॉग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये है मेरा डिटेल्ड अनबॉक्सिंग ऑफ माय फर्स्ट व्लॉगिंग सेटअप। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा, और इफ़ यू वांट तो मैं ये जो भी होगा इसके बारे में अपडेट्स वगैरह जो भी होंगी मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं इसकी वर्किंग दिखाऊंगा आपको, और मोर ओवर इसकी वीडियो क्वालिटी वगैरह दिखाऊंगा कैसी है। थैंक यू सो मच।